भाई राजेश जी, मणाल जी नीचे आ जाए। डॉक्टर साहब आपको रामलीला में काम के लिए, और नवीन जी फटाफट आ जाए। बहुत खुशी का अवसर है कि टीम की प्रतिष्ठित रामलीला लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा। हेलो, बाकी आप सब लोग क्या कर रहे हैं, मन से नीचे आ जाए। बहुत खुशी की बात है कि आज देश की प्रतिष्ठित रामलीला कमेटी, लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा 2019 में जो यहाँ रामलीला का मंचन होगा, उसके लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम बहुत ही सात्विक भाव से संपन्न हुआ है। और मैं रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और देशवासियों को भी बधाई देता हूँ, दिल्ली के लोगों को भी बधाई देता हूँ। भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सब अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में उनके द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों को देश में पुनर्स्थापित करने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दें, और नरेंद्र मोदी जी के सपनों का 2022 तक नया भारत बनाने में अपनी आहुति दें। यही मैं समझता हूँ कि शायद हम सबका भगवान राम के प्रति सच्चा समर्पण का और सच्चा आदर का भाव हो सकता है। भगवान राम हमारे इस देश की प्राण है, इस देश की आत्मा है। हम सब हृदय से, मन से और आत्मा से ये महसूस करते हैं कि वो हमारे रोम रोम में बसे हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही मन को इतनी ज़्यादा तृप्ति होती है कि उसको शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। आज के दिन भगवान राम के जीवन से, हनुमान जी के जीवन से, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से भगवान राम की सेवा की, हम भी आज निस्वार्थ भाव से अपनी मातृभूमि की सेवा करने का संकल्प लेंगे। तो ये वर्षों से जो रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, और भगवान राम और भगवान राम के परिवार के जीवन से देशवासियों को बार 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 परिचित कराया जाता है, उसका स्मरण कराया जाता है, इन कार्यक्रमों के आयोजन की सफलता और सार्थकता होगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ अपनी ओर से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से दिल्ली वासियों को और देशवासियों को। जय श्री राम। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे सबके दादले, हमारे क्षेत्र के सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी से जोरदार तालियों के साथ एक बार हम स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। अब मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरी इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी। लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भाई अशोक अग्रवाल जी, मंत्री भाई अर्जुन जी, यहाँ उपस्थित दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भाई जयप्रकाश जी, लवकुश रामलीला कमेटी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सत्यभूषण जैन जी, मेहरबान जी, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय बीजेपी के नेता सुमन जी, संजय जी, संदीप जी, और बहुत सारे जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं, आदरणीय पंडित जी जिन्होंने अभी भूमि पूजन संपन्न कराया, भगवान जी की आरती संपन्न कराई, बहुत सात्विक भाव से पूजा को कराने का सौभाग्य दिया, और यहाँ आज के इस कार्यक्रम में जितने भी सुबह सुबह आए हैं, सभी राम भक्त, धर्म प्रेमी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों और मीडिया के मित्रों, लवकुश रामलीला कमेटी हमारे इस दिल्ली की नई अपितु देश की एक प्रतिष्ठित रामलीला कमेटी है, जो बहुत
सालों से दशकों से यहाँ इस लाल किले के सामने जो हमारा बहुत ही प्रतिष्ठित ये मैदान है, यहाँ पर रामलीला कर रही है और शायद ये देश की एक ऐसी अकेली रामलीला है जिसका जो प्रसारण है दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है लाइव प्रसारण होता है। और ये हर वर्ष नए नए पहलुओं के साथ नए रूप में रामलीला को देशवासियों के दुनिया के लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए रामलीला कमेटी के सभी सदस्य और विशेषकर अशोक अग्रवाल जी जो एकदम इनोवेटिव माइंड के हैं, नए नए काम करने का उनको शौक है, जज्बा है, उसको एक रूप देते हैं अपने साथियों के साथ। मैं उनको आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत पवित्र अवसर है एक बार फिर 2019 के अंदर इस क्षेत्र में रामलीला होगी जहाँ पर विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा, उसकी आज नींव रखी हुई है। भगवान राम का नाम सारे भारतवासियों के लिए शायद सबसे प्यारा और सबसे प्रिय नाम है। वो हमारे हृदय से, मन से, आत्मा से, शरीर से, वो हमारे रोम रोम से जुड़े हैं, हमारे रोम रोम में बसे हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि भगवान श्री राम भारत की आत्मा है, वो भारत के प्राण हैं। और शायद भगवान श्री राम का नाम लेकर भारतवासियों को जितने सुकून की अनुभूति होती वो किसी दूसरे नाम को लेकर संभवतः नहीं होती। आज ये लवकुश रामलीला कमेटी रामलीला की तैयारी कर रही है, लेकिन देश के हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर हजारों की तादाद में रामलीलाएं, और खाली देश के गली मोहल्लों में नहीं तो दुनिया के अनेक देशों के अंदर इसी प्रकार से रामलीलाओं का मंचन अब होता है। मुझे भगवान की लीला को दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी देखने का मौका मिला है। भगवान राम से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रमों को दूसरे देशों में भी देखने का मौका मिला है। भगवान राम की कथा को दूसरे देशों में भी ऐसी कथाएं सुनने को मिली है जो शायद उतने मज़ेदार और उतने रोचक तरीके से भारत में भी ना सुनने को मिली हो। हम सब आज जब भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो हम सबका ये कर्तव्य भी बनता है कि हम भगवान श्री राम जिन्होंने अपने जीवन में अपने जीने के स्टाइल से, जीने की पद्धति से, जीवन की महान मर्यादाओं को, भारत की महान परंपराओं को, भारत के महान संस्कारों को इस देश के अंदर स्थापित किया, उनको हम गहराई से स्मरण करें और अपने जीवन के अंदर उनको उतारने का प्रयास करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये चाहते हैं कि वो 2022 तक एक नया भारत बनाए, ऐसा नया भारत बनाए जहां राम राज्य की तरह प्रजा के अंदर हर व्यक्ति जो है वो संतुष्ट हो, खुश हो, उसके दुख दर्द का निवारण करने के लिए गहराई और गंभीरता से प्रयास हो, हर भारतवासी के चेहरे पर मुस्कान हो। और उसके लिए वो चाहते हैं कि हम सब लोग भी अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा गुणात्मक परिवर्तन भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर मर्यादा पूर्ण जीवन जो है हम अपनाने का प्रयास करें। हम सब जानते हैं कि भगवान हनुमान ने किस प्रकार से एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में भगवान राम के चरणों में अपना सारा जीवन बिताया, इस देश की प्रतिष्ठा की
रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया, आज उनसे भी प्रेरणा लेकर कैसे हम भारत माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव अपने मन में और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये सारे अवसर सही मायने में इसी तरह का संकल्प लेने के अवसर हैं। और अगर ऐसा कोई नया मन में भाव हमारे आज पैदा हुआ कि भगवान राम के जीवन को हम जो वर्षों से रामलीलाओं के माध्यम से स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसमें से कुछ अच्छी बातें हम हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन के अंदर उतार कर जाएंगे, तो शायद आज जो हमारा ये कार्यक्रम है इसकी नींव जो आज भूमि पूजन के रूप में रखी गई है ये और ज़्यादा मजबूत होगी। और यही नींव जो आज भूमि पूजन के रूप में यहाँ रखी गई है, यही आने वाले विश्व गुरु भारत के नींव के रूप में इस देश के अंदर, इतिहास के अंदर अंकित होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबको आज के पवित्र अवसर पर अपनी ओर से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से, मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई करता हूं। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूँ भाई साहब ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, और इन सबसे बड़ी बात ये भूमि पूजन की तो आज ये कर ही रहे हैं बहुत सालों से। पिछले साल इन्होंने हमारे अनुरोध पर रामलीला में जनक बनने को स्वीकार किया, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का, सभी आए हुए लोगों की ओर से, अपनी ओर से उनका हृदय से आभारी हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। और इस साल भी लवकुश रामलीला का स्टेज उनका इंतज़ार कर रहा है। और डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मंदिर में हम रोज़ जाते हैं तो ये नहीं सोचते कि एक साल चले गए, एक बार दर्शन कर लिए तो बहुत है। और तन मन धन तीन सेवा है, तन की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। और रामलीला में रोग जब डॉक्टर साहब करते हैं तो ब्रिटेन में रहने वाले, USA में रहने वाले, कैनेडा में रहने वाले लोग भी ये देखते हैं कि हमारे देश के अंदर भगवान राम की परंपरा कितनी बड़ी है, और पूरा देश इस जश्न को, पूरी रामलीला को मना रहा है। मैं डॉक्टर साहब से, पूरी रामलीला कमेटी, पूरे देश और दुनिया की ओर से फिर से आग्रह करूँगा कि वो इस साल भी अपना रामलीला के अंदर भगवान राम की सेवा के लिए एक रोल जरूर करें। जो वो चाहें उनके पास आएंगे, जिस रोल को वो करना चाहेंगे वो करें। और डॉक्टर साहब का मैं हृदय से आभारी हूँ कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं। और देश के अंदर जिस तरह की रामलीला डॉक्टर साहब जैसे जो निस्वार्थ लोग हैं रोल करते हैं, पूरी दुनिया में मैसेज देते हैं कि हम भी भगवान राम के सेवक हैं, भगवान राम की सेवा में शामिल हैं, उन्हीं से हमारा धर्म पताका जो है वो आगे लहराती है। धन्यवाद।